ये हमारा ना एसी अलग से दे रखा, पीछे वाला एसी हम अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। बहुत बड़ा सनरूफ दे रखा भाई, आराम से दो बंदे भाई कितने हैवी हो वो निकल के बाहर का एंजॉय ले सकते हैं इसके अंदर से। पैसेंजर वाली सीट और दिखाते हैं, ये भी हमारी इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आपको मिल जाएगी। ये कमाल का दे रखा है भाई, पूरा का पूरा पैनल है ना लग्जरी लुक देता है। एक बार ये गाड़ी को जैसे देखते हैं ना हम, पूरा पूरा ये बटन है ना लग्जरी फील देते हैं। एडजस्टेबल हमारी ना सीट बेल्ट मिल जाएंगे इधर से। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारी एक नई गाड़ी का रिव्यू लेकर, गाड़ी हमारे पास एमजे की ग्लोस्टर है भाई, ये साविया है, 6 सीटर गाड़ी हमारी ये, 4x4 के अंदर, ये 7 सीटर में भी आती है, दोनों के अंदर आती है। ये हमारी 6 सीटर आज कंप्लीट आपको इस गाड़ी का रिव्यू कराएंगे और बताएंगे भाई ये गाड़ी आपको कितने रुपए में ऑन रोड और एक्सशोरूम मिलने वाली है, और भाई गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या फीचर, म्यूजिक वगैरह, गाड़ी की माइलेज, क्या क्या सेफ्टी रेटिंग, सारा कुछ आपको अलग डिटेल से आपको इस गाड़ी का रिव्यू बताएंगे भाई। में ना हमारे को रेन वाइपर सेंसर यहाँ पर मिल जाते हैं, बड़ा सारा भाई बोनट के ऊपर ये डिजाइन रहेगा, 2 वाइपर मिल जाते हैं, और साइड की प्रोफाइल देखिए भाई, ये रही हमारी प्रोजेक्टर लाइट मिल जाती है, ड्यूल प्रोजेक्टर रहेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इधर हमारा DRL मिल जाता है, वार्निंग फंक्शन के साथ में हमारी रहेगी, जिस साइड में भी गाड़ी की कटाई करते हैं ना उसी साइड में ये लाइट है ऑटोमेटिक रोटेट कर जाती है, वार्निंग फंक्शन उसी को बोलते हैं। नीचे हमारे फोग लैंप मिल जाते हैं, फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, बड़ा सारा ये आपका पैनल मिल जाता है इसके अंदर, ये सिल्वर का स्टफ देखने को मिल जाएगा, एमजे का लोगो है, ये ग्लोसी के अंदर रहेगा हमारा। नीचे हमारे ये इसका 360 व्यू वाला कैमरा मिल जाता है, जो बम्पर है हमारा ये नीचे ब्लैक का डिजाइन दे रखा है, और ये हमारे रहेंगे पार्किंग सेंसर, क्रोम का स्टफ आपको फ्रंट में भी इस पे मिल जाती है। ये है इसी गाड़ी की प्रोफाइल फ्रंट की, बड़े बड़े भाई हमारे को यहाँ पर एलॉय मिल जाते हैं, बड़ा टायर साइज रहेगा इसका काफी बड़े, ऑल 4 ब्रेक हमारे डिस्क के अंदर मिल जाते हैं, आगे वाले भी और पीछे वाले भी, डायमंड कट हमारे एलॉय मिल जाते हैं, 19 इंची हमारा जो टायर साइज है वो आपको मिल जाता है, ग्राउंड स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है, फुट स्टेप हमारे यहाँ से लेकर बिल्कुल पीछे तक आपको मिल जाता है, यहाँ पे इसकी बैजिंग मिल जाती है, आउटसाइड हमारे मिरर है काफी बड़े हमारे को मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर के साथ में इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिक फोल्डेबल रहेंगे, नीचे हमारा इसका 360 वाला कैमरा और ये सेंसर इसके मिल जाते हैं, क्रोम के अंदर हमारे हैंडल मिल जाते हैं, कीलेस आपको एंट्री इसके अंदर मिल जाती है, और यहाँ पे जो हमारा पार्ट है ये ग्लोसी ब्लैक का इसका मिल जाता प्रॉपर, यहाँ से लेकर पूरा का पूरा ये भी ब्लैक रहेगा, ऊपर हमारे को बड़ा सारा सनरूफ मिल जाता है मून रूफ के साथ में, और सनरूफ भी साथ में मून रूफ भी, छत के ऊपर ये अलग रखा है रूफ का सामान वगैरह रखने के लिए, ये एक एसेसरी पार्ट है हमारा इसमें गाड़ी, ये हल्का सा ये डिजाइन दे रखे हैं यहाँ पे अलग सा, ऊपर ये हमारे रूफ रेल है क्रोम के अंदर आपको मिल जाएगी, सिल्वर का स्टफ रहेगा हमारा रूफ का, ऑल 4 ब्रेक हमारे डिस्क के अंदर है, पीछे हमारे को यहाँ पर स्पॉइलर मिल जाता है, हाई स्टॉप लैंप मिल जाता है, डिफोगर वाइपर वाशर के साथ में, एमजे का यहाँ पे हमारे को लोगो मिल जाता है, बैक कैमरा मिल जाएगा, ग्लोस्टर की बैजिंग, इंटरनेट इनसाइड, टेल लाइट मिल जाती है एलईडी के अंदर, टर्न इंडिकेटर के साथ में रहेगी, नीचे हमारे रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, 4 पार्किंग सेंसर रहेंगे पीछे भी हमारे, बीच में भी हमारे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, 2 के लिए ऑप्शन रहेगा, ऐसे कुछ हमारे इसके ना एडजस्ट पाइप मिल जाते हैं, ड्यूल दोनों साइड में रहेंगे, नीचे कुछ ऐसा इंटीरियर मिल जाएगा, नीचे ही हमारा स्पेयर व्हील रहेगा इसका गाड़ी का, ग्लोस्टर की बैजिंग मिल जाएगी, W4D एडास के साथ में, यहाँ पे 4x4 है ना गाड़ी, ये जो बूट है ना वो ओपन करके दिखाते हैं एक बार आपको, ये बटन एक बार प्रेस करना है ऑटोमेटिक के अंदर है, जैसे आप इसको प्रेस करते हैं गाड़ी का बूट अपने आप खुल जाता है, काफी अच्छा हमारे को यहाँ पर बूट स्पेस इसका मिल जाता है, बूट में हमारे को लाइट मिल जाती है, चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है 12 वोल्ट का, इधर भी यहाँ पे इसके टूल किट मिल जाते हैं गाड़ी की बोतल वगैरह रखने के लिए, तो इस बटन को मैं एक बार प्रेस करूंगा, ये हमारा ऑटोमेटिक बूट इसका बंद हो जाएगा ग्लोस्टर का, ये हो गया भाई इसका बूट बंद। बैक की प्रोफाइल देखिए, बैक से देखने में भाई लंबी चौड़ी गाड़ी आपको दिख रही है, फॉर्च्यूनर को टक्कर देने वाली गाड़ी है भाई ये, और भाई जानदार गाड़ी है, 2000 CC इंजन के साथ में ये गाड़ी आती है हमारी। अंदर की तरफ एंट्री करते हैं और अंदर का इंटीरियर दिखाते हैं भाई आपको, यहाँ से करेंगे अंदर एंट्री, और ये हमारा पूरा पैनल है ना लेदर का मिल जाएगा, इधर ये अलग स्टफ रहेगा, सिल्वर का मिल जाएगा ये अलग, इधर ब्लैक रहेगा, ये भी लेदर है इसका, हार्ड प्लास्टिक नहीं रहेगा, नीचे हमारा प्लास्टिक रहेगा, पावर के हमारे कंट्रोल दे रखे हैं पावर विंडो के, इधर हमारा म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, नीचे हमारा फ्यूल का बटन यहाँ पे दे रखा है इसका गाड़ी का विंडो के पास में, इसको जैसे ही करेंगे हम फ्यूल टैंक यहीं से ओपन हो जाएगा हमारा, नीचे हमारे पैडल्स दे रखे हैं, बोनट ओपन करने का लीवर है, और इधर ये स्पेस है इसका, ये हमारे आउटसाइड के मिरर लेफ्ट और राइट के, ये हमारी फ्रंट की हेडलाइट है, और ये हमारा इसकी
कॉन्ट्रास्ट है भाई, हमारे जो MID है ना उसकी कॉन्ट्रास्ट के लिए है। MJ की बैजिंग दे रखी है, लाइट रहेगी हमारी प्रॉपर, पूरा ये लाइट का पैनल मिल जाता है, सिल्वर का स्टक ऊपर रहेगा। ये रहेगी हमारी सीट, तीन फंक्शन के साथ में आती है, जो भी हमारे को इस पे सेट करना वो अकॉर्डिंग उसी के ले लेती है, जो भी हम बटन प्रेस करेंगे ना अपने अकॉर्डिंग इसको मैनुअल भी सेट कर सकते हैं। लैम्बर स्पोर्ट रहेगा इसके अंदर, हाइट को हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अप और डाउन। लेदर रैप्ड हमारा प्रॉपर गाड़ी की जो सीटें हैं वो मिलने वाली, एयर बैग साथ में रहेंगे, छह आपको गाड़ी के अंदर एयर बैग मिल जाते हैं। कर्टनों पे रहेंगे यहाँ पे और उधर साइडों में कर्टन पे, फ्रंट वाली जो सीटें हैं इन पे पूरा प्रॉपर उसको कवर करेगी। और भाई अंदर का इंटीरियर आप देख लो, गाड़ियां कितना ज्यादा मस्त हमारे को इसका इंटीरियर मिल जाता, पूरे प्रॉपर हमारे सिक्स सीटर रहेगी हमारी गाड़ी, लेदर रैप्ड है प्रॉपर अंदर का इंटीरियर। और सनरूफ भी दिखाएंगे आपको, देख कितना बड़ा सारा आपका सनरूफ मिल जाता है, चार ही विंडो हमारी वन टच अप डाउन हमारे को यहाँ पे मिल जाती है। ऐसा इसका स्टेयरिंग रहेगा, स्टेयरिंग के ऊपर MJ का लोगो, एयर बैग यहाँ पे हमारे कंट्रोल सोरस से रिलेटेड मीडिया से वॉइस कमांड का है, इधर हमारा क्रूज कंट्रोल और एडास फीचर यहाँ पे इधर इधर रखा है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कंट्रोल इसका दे रखा है। इधर पैडल शिफ्टर रहेंगे, ये हमारे रहेगा कंट्रोल इधर वाइपर का ऑटोमेटिक, और इधर हमारा लाइट का, और इधर भी एक ये पैडल शिफ्टर हमारा मिल जाता है। जो स्टेयरिंग है ना वो हमारे को यहाँ पे टिल्ट है और टेलीस्कोपी मिल जाता है भाई इसके अंदर, गाड़ी इतनी बड़ी है ना स्टेयरिंग तो मिलना ही है हमारे को टिल्ट और टेलीस्कोपी। जो गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट है वो दिखाते हैं एक बार आपको, देखिए शानदार सा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा इसके अंदर, हमारी डिटेल यहाँ पे गाड़ी की जो स्पीड है वो मिल जाएगी, पार्किंग का मोड मिल जाएगा यहाँ पे, इसके किलोमीटर गाड़ी कितनी चली हुई है, टाइम है, टेम्परेचर है, सीट की वार्निंग है, इधर हमारा RPM मिल जाएगा, टेम्परेचर इधर रहेगा गाड़ी का जो इंजन का टेम्परेचर, वो फ्यूल लेवल वार्निंग इधर दिखाएगा हमारे को, बीच में इसका बड़ा सारा डिजिटल का मीटर ये मिल जाता है। इसके अंदर जो कंट्रोल है ना वो हम इसको यहाँ से कर सकते हैं, इधर इसके अंदर हमारा कुछ डिटेल जैसे टायर प्रेशर की डिटेल निकल जाएगी, आफ्टर रिसेट है, एवरेज रहेगी इसके अंदर, फ्यूल रेंज, मेंटेनेंस डिस्टेंस, बैटरी वोल्टेज, सारा कुछ इसकी जो डिटेल है हमारी गाड़ी की यहाँ पे ही शो करेगी है। इसके कुछ कंट्रोल मिल जाएंगे हमारे, इधर बैक लाइट लेवल है इसका कितना हमारे को रखना, जो पीछे वाली लाइट है ना उसका ब्राइटनेस है इसकी गाड़ी की, ब्लूटूथ का ऑप्शन है, ये हमारा नेविगेशन का था। फीचर भाई इसके अंदर बहुत सारे हमारे को मिल जाते हैं, जबरदस्त फीचर दे रखे हैं इसके अंदर, डिजिटल के अंदर भी स्पीड आ जाएगी इसकी। इसके अंदर ये मोड है हमारे, जिस भी मोड पर हम गाड़ी को करेंगे वो मोड यहाँ पे हमारा चेंज होता रहेगा। 12.5 इंची हमारे को म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और इन बिल्ड इसके अंदर ऑनलाइन म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। इसके अंदर हमारा ना सिम लगी 4G इंटरनेट वो इस पे प्ले रहेगा, ये हमारा ऑनलाइन ही सारा इसका पैनल दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल। ये होम का बटन है, इधर रेडियो म्यूजिक सर्च करना तो कुछ, नेविगेशन है, वेदर है, म्यूजिक रहेगा, इधर से हमारा जो AC है उसका यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है, फैन स्पीड इधर से बीच से कर सकते हैं, सारा कंट्रोल यहाँ पे दे रखा है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड, गाना है, सोर्स है, मोर के अंदर देखते हैं एक बार, ब्लूटूथ फोन है, पार्क दे रखा है इसके अंदर, सेटिंग फोल्डर, अकाउंट, ब्लूटूथ नेटवर्क, साउंड, लोकल स्क्रीन, स्क्रीन लॉक, वॉलपेपर, डिस्प्ले, टाइमिंग, थीम, वॉइस असिस्ट, यूजर मैनुअल यूज, स्ट्रॉन्ग, फैक्ट्री रिसेट अपडेट, MJ, होम का बटन है, 30 सेकंड, 60 सेकंड या 90 सेकंड तक हमारी जगी रहनी चाहिए, लॉक का है, इसकी लाइट है ना एम्बियन लाइट दे रखी है सनरूफ के अंदर, वो यहीं से ऑन ऑफ इसकी हो जाएगी, वो भी दिखाएंगे एक बार। एम्बियन लाइट का अलग से दे रखा है, जो नीचे पैरों में है ना वो हम इसको ऑन कर सकते हैं, ऑटो पे कर सकते हैं या बिल्कुल उसको ऑफ कर सकते हैं, अभी हमारी ऑन है पैरों में एम्बियन लाइट, देखिए ये इधर से मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ये एम्बियन लाइट है ना ये अभी हमारी फिलहाल ऑन है, जैसे ही मैं इसको बटन दबाता हूँ ये हमारी होगी ऑफ, यहीं से गाड़ी की एम्बियन लाइट होगी ऑन। बहुत सारे फीचर हमारे इसके अंदर दे रखे हैं, ज़्यादा हम आपको डिटेल से बताएंगे तो भाई गाड़ी का ना रिव्यू बहुत लंबा हो जाएगा, 360 व्यू एक बार दिखा देते हैं, जो मेन फीचर वो आपको बता देंगे भाई, ये हमारा गाड़ी का 360 सारा कुछ, जिस साइड का भी हमारे को देखना ना वो ही हमारे को मिल जाएगा, जिस भी साइड हम टच करेंगे ना, इधर नीचे हमारा AC का कंट्रोल मिल जाता है, पार्किंग इंडिकेटर, बड़े बड़े AC के वेंट मिल जाते हैं, ये लेदर का पूरा पैनल हमारे को मिल जाता है, ऊपर यहाँ पे एक हमारा सब वूफर मिल जाएगा, नीचे जो हमारा मोड है फुल ऑटोमेटिक हमारे को AC मिल जाएगा, इधर AC के हमारा ये कंट्रोल पैनल रहेगा। नीचे हमारे ये मिल जाते हैं फोन के लिए स्पेस, USB का,
और इधर हमारा 12 वोल्ट का ये चार्जिंग सॉकेट है। ये गियर नॉब देखिए भाई, पूरा आपको लग्जरी फील देगा ये। इसके अंदर हमारा पार्किंग का मोड है, ऑटोमेटिक पार्किंग, ये सर्च कर लेती गाड़ी, आप एक बार दबाओगे ना ऑटोमेटिक पार्किंग में आ जाएगी। रिवर्स नोटल और मैनुअल ड्राइव आप इसको कर सकते हो। हील असिस्टेंट का बटन यहाँ पे दे रखा है, डायरेक्शन कंट्रोल, ऑटो पे गाड़ी पार्किंग, ये हमारा 4x2 का ऑप्शन, और ये हमारा जैसे कोई गाड़ी की विंडो वगैरह ओपन करते हैं तो उसका अलार्म हमारे को गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। वेंटिलेटेड हमारी सीटें मिल जाती है यहाँ पर, इसके कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। इधर हमारा पार्किंग का मोड है, ऑटो पे है और पार्क असिस्ट है। जो गाड़ी के मोड है वो भी हमारे को यहाँ पर मिल जाते हैं, 4-5 मोड। जो भी मोड हम यहाँ से गाड़ी का चेंज करेंगे ना, इधर हमारा ये डिस्प्ले पे इसका चेंज हो जाएगा। ऑटो मोड सेलेक्ट, इको मोड, रोक, सैंड मोड, मफ मोड, स्नो मोड, स्पोर्ट मोड। ऑटो पे रखना तो हम इसको ऑटो पे दबा देते हैं, बस ऑटो पे ही ये गाड़ी हमारी आ जाएगी। ये कमाल का दे रखा है भाई, पूरा का पूरा ये पैनल है ना लग्जरी लुक देता है। एक बार ये गाड़ी को जैसे देखते हैं ना हम, पूरा पूरा ये बटन है ना लग्जरी फील देते हैं। और जो गाड़ी की ना दो हमारे को ऐसी की मिल जाएंगी, स्मूथ की मिल जाती है, लॉक अनलॉक और बूट को यहीं से ओपन कर सकते हैं। MJ का लोगो मिल जाएगा, एमरजेंसी की साथ में रहती है, इसको निकालेंगे तो एमरजेंसी की हमारी ये मिल जाती है। ऐसा हमारा इसका स्पेस मिल जाता है, दोनों हमारे अलग अलग साइड मिल जाए। कूल बॉक्स रहेगा अंदर इसके, अलग अलग से भी इसको ओपन कर सकते हैं और दोनों साइड से भी इसको ओपन कर सकते हैं। एडजस्टेबल हमारी ना सीट बेल्ट मिल जाएंगे, इधर से इसको करेंगे ना, ये हमारा एडजस्टेबल का पूरा पैनल मिल जाएगा। लगेगा नहीं देखने में भाई एडजस्टेबल, ये वाला पूरा पैनल है वो ही आपका स्लाइड होता। देखिए ये एयरबैग मिल जाएगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे हैंडल बार, वेंटी के अंदर मिरर और लाइट के साथ में मिल जाएगा आपको। डे नाइट व्यू मिरर मिल जाता है, ऑटोमेटिक रहेगा ये। और इधर हमारा जो ये पैनल है ना, लाइट का भी पैनल रहेगा, सनरूफ का रहेगा और साथ में माइक रहेगा इसमें। इधर हमारी ये लाइट है, ये रहेगा हमारा सनरूफ का। हमारे को पार्सल ट्रे ओपन करनी तो सिर्फ हमारी पार्सल ट्रे हो जाएगी ओपन। बड़ा सारा पैनोरामिक सनरूफ और मून रूफ साथ में आपको ये मिल जाता है। बहुत बड़ा सनरूफ दे रखा है भाई, आराम से दो बंदे भाई कितने हैवी हो वो निकल के बाहर का एंजॉय ले सकते हैं इसके अंदर से। ये इसका सारा कंट्रोल है, माइक यहाँ पे हमारे दे रखे हैं इसके। इधर भी वेंटी के अंदर हमारे को लाइट के साथ में मिल जाएगा मिरर, पैसेंजर वाली सीट और दिखाते हैं। ये भी हमारी इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आपको मिल जाएगी, इधर से हमारी आगे पीछे हाइट रिक्लाइन डिक्लाइन इसकी कर सकते हैं गाड़ी की। एम्बिएंट लाइट नीचे काफी सारा स्पेस, इधर हमारी एम्बिएंट लाइट, इधर भी हमारी एम्बिएंट लाइट का पोर्शन मिल जाता है और यहाँ पे भी ये लाइट रहेगी। इधर साइडों में स्पीकर मिल जाते हैं, ट्विटर रहेंगे। पीछे वाली सीटों पे लेके चलते हैं एक बार आपको। चाइल्ड लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, ये भी लेदर का पैनल, हमारा लाइट कंट्रोल है, ट्विटर दे रखा है, ये पूरा लेदर रहेगा। इधर ट्विटर बोतल के लिए स्पेस मिल जाता है, इधर भी हमारे लाइट रहेगी। सीटों के पीछे हमारे को पॉकेट लेदर रैप पूरी हमारी सीटें मिल जाती है। देखिए लग्जरी लुक एक बार ये आपको देगी, अंदर का जो लुक है ना वो लग्जरी फील होता है भाई देखने में गाड़ी को। प्रॉपर लेदर हमारा इसका गाड़ी का। ये हमारा ना AC अलग से दे रखा है, पीछे वाला AC हम अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल पीछे का भी दे रखा है, फैन स्पीड है, मोड है, ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे। और भाई नीचे हमारा देखिए चार्जिंग के अंदर ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और USB का, अंदर देखिए ये पता भी नहीं लगेगा आपको चार्जिंग का है कि नहीं। नीचे स्पेस मिल जाता है, सीटों के दोनों के पीछे हमारे को पॉकेट मिल जाएंगे इधर भी और इधर वाली साइड में भी। इधर आपको ये आर्मरेस्ट मिल जाते हैं दोनों सीटों के साथ में, इधर से भी और इधर भी। AC के वेंट, हैंडल बार साथ में रहेंगे। इधर एयरबैग यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, और जो पीछे का स्पेस है ना वो देखिए यहाँ पे पीछे ना हमारे को काफी सारा स्पेस मिल जाता है, दो बंदे आराम से बैठ जाएंगे भाई। सीटें हमारी पीछे के हेडरेस्ट है वो भी आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे, पूरा पैनल आपको लेदर के अंदर मिल जाएगा। पीछे की साइड में हमारे को 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, कप होल्डर मिल जाता है, AC के वेंट मिल जाते हैं, इधर स्पीकर मिल जाते हैं, बीच में हमारी रीडिंग लाइट है वो मिल जाती है, काफी यूनिक सी लाइट है, स्पोर्ट लाइट है जैसे देखने में। और एडजस्टेबल भाई हमारे ये हेडरेस्ट सारे के सारे गाड़ी के मिल जाते हैं। पीछे जो लुक आता है ना भाई लग्जरी लुक है सच में, पीछे का फील अलग से है। दोनों साइड में आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, और जो पीछे वाली सीटें हैं ना, पीछे वाली सीटों पे दोनों पे हमारे को पॉकेट मिल जाती है। पूरा लेदर का भाई इसका इंटीरियर अंदर का दे रखा है, काफी लग्जरी गाड़ी है, कंफर्ट के अकॉर्डिंग भी और भाई फीचर वाइज भी एडवांस है सारा, सेफ्टी रेटिंग भी काफी अच्छी इस गाड़ी की हमारे को मिल जाती है। इस गाड़ी का हमने फुल आपको रिव्यू कर दिया, गाड़ी भाई बहुत ज्यादा पावरफुल है, 6 सीटर है, 7 सीटर में भी आती है। गाड़ी के अंदर सेफ्टी में एडवांस वगैरह 6 आपको एयरबैग, म्यूजिक सिस्टम और भी भाई
रेन वाइपर सेंसर, कॉर्निंग हेडलैम्प वगैरह सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको सेंसर मिल जाते हैं, बैक में सेंसर, 360 व्यू आपको मिल जाता है। और भाई 2000 cc हमारे को डीजल इंजन, 4 सिलेंडर हमारी ये गाड़ी रहेगी। जो इंजन हमारे को ना पावर देता है, 213 की और 478 की हमारे को टोर देता, 6 सीटर हमारी गाड़ी रहेगी। ऑटोमेटिक के अंदर ये हमारी गाड़ी है। और भाई फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी हमारी 75 लीटर रहती है। बॉडी टाइप हमारा गाड़ी का SUV है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर हमारा गाड़ी का 3 जोन वाला है। गाड़ी का एक्सरूम प्राइस है 42,38,000 रुपए। अगर आपको ऑन रोड प्राइस कंफर्म करना है तो भाई आप नियर बाय अपनी एजेंसी में जाके विजिट कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमारे कमेंट जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी नई गाड़ी का रिव्यू लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।